ट्रस्ट मी जब पहली बार मुझे जिलेट सोल्जर फॉर वुमेन इस मूवमेंट के बारे में पता चला आई वाज एक्चुअली क्वाइट मूव्ड विद द होल थॉट क्योंकि मुझे लगता है कि हम हमेशा यू नो वी ऑलवेज पिक ऑन मैन फॉर द रॉन्ग रीजंस यू नो वी ऑलवेज पिक ऑन देम जब कुछ अनप्लेजेंट होता है एंड दैट्स समथिंग दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइम बट हम ये भूल जाते हैं कि अगर वो कुछ अच्छा करें और उसके बारे में हम बात करें आई एम श्योर दैट मोर एंड मोर मैन विल गेट एनकरेज्ड बिकॉज ऑफ दैट दे गेट इंस्पायर्ड विद दैट एंड शायद इस वजह से वो भी रियलाइज़ करेंगे कि यू नो वी ऑल हैव अ सोल्जर विद इन अस एंड दैट डजंट मीन कि हमें जाकर वॉर लड़ना है बट इट जस्ट मीन्स दैट ऑल द क्वालिटीज दैट अ सोल्जर हैज़ यू नो यू हैव टू बी सपोर्टिव अ लॉट मोर करेजियस एंड ऑफ कोर्स गो एंड काइंड ऑफ यू नो शो योर सपोर्ट टू अ वुमन व्हेन शी इज इन अ सिचुएशन मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बार तो मैं जिलेट के साथ एज अ ब्रांड जिलेट ब्रांड के साथ करीब अभी दो साल से जुड़ा हुआ हूँ इज़ द फॉरमोस्ट इज़ द बेस्ट इन मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट बट व्हाट आई काइंड ऑफ रियली वैल्यू एंड आई फाइंड अ गुड इज दैट दे स्टैंड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मेन My association with Soldier for Women has been a fairly recent one. This is the second time I'm part of an event. For me, it was something I didn't really have to think about. It was a no-brainer. Once they did come to me and once I was made aware for the event, I felt like this is the least I can do, just come to an event for a few hours and maybe as actors, as popular personalities, I think by just your presence being there makes a bit of a difference. So if I can make a bit of a small difference by just being at an event, for me, that's very little to do to make a difference. सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मैंने वो जब सोल्जर फॉर वुमेन का वो कमर्शियल वो एड फिल्म देखा वहीं से मैं इंस्पायर हूँ वांटेड सोल्जर्स नॉट टू गार्ड आवर बॉर्डर्स नॉट टू फाइट वॉर्स बट टू सपोर्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल इन आवर नेशन एंड दैट इज यू नो बेसिकली टू स्टैंड अप फॉर तो आई थिंक हमारे इन टाइम्स लाइक दिस a campaign like this, a movement like this is very, very important. यही मैसेज है कि इंडियन कल्चर इंडियन माइथोलॉजी जो है एक औरत जो है ऑलमोस्ट गॉडेस के समान है एक देवी के समान है सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो याद करे कि वो कल्चर से आप आए हैं और हमेशा औरत को जो है रेस्पेक्ट डिग्निटी के साथ ट्रीट करे और एक इक्वल के साथ ट्रीट करे और जो भी अपॉर्चुनिटी एक औरत एलिजिबल है वो अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कुछ हद तक आपकी बात बिल्कुल सही है और ये नंबर्स वैसे हैं काफ़ी बड़े शायद अपनी जितनी बड़ी कंट्री है उससे उसकी तादाद में शायद वो नंबर्स आपको इतने नहीं लगेंगे लेकिन वो एक फिर भी एक इनिशिएटिव है और एक स्टेपिंग स्टोन है और ये मोमेंटम गैदर करने वाली चीज़ है तो इतना भी इंकरेजमेंट जो मिला है और इतने भी जो रिस्पॉन्स मिले हैं ये बहुत बड़ी तादाद में है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसको मल्टीप्लाई करें इसको और लोगों में ये इसका अवेयरनेस जाए और ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग ज़्यादा इस चीज़ को से प्रभावित होके इसको करें